मैं हूँ राजस्थान भीलवाड़ा से। मैं आज आपके लिए गुजरी नस्ल लेकर आया हूँ। भाई कहाँ से हो? थाबोला। थाबोला गांव से है। हाँ। और आपके पापा का नाम क्या है? गोपाल जी। गोपाल जी, और आपका यहाँ का एड्रेस? एड्रेस भीलवाड़ा जिला। हाँ। थाबोला बावड़ी पंचायत। बावड़ी पंचायत। तेरा नंबर बता दे भाई एक बार। 9598823171717। भाई आपके पास बकरी कितनी है टोटल? हमारे पास 45 बकरी है। 45 बकरी है। हाँ। और आपके पास बच्चे बच्चे वगैरह कितने हैं टोटल? बच्चे अभी 8 बच्चे हैं घर पर। तो आप इसको अभी कहाँ ले जा रहे हो बकरी को? इसको चराने ले जा रहे हो। हाँ। चराने के लिए ले जा रहे हो, तो आप यहाँ से कितने दूर तक ले जाते हो? मैं यहाँ से 5-5.5 किलोमीटर दूर। 5.5 किलोमीटर लेके जाते हो? बाप रे भाई, बहुत दूर लेके जाता है बकरी को। और देख लीजिए भाई, बकरी गुजरी नस्ल, आपको जिस भाई को अगर इंटरेस्ट हो बकरा बकरी जो भी चाहिए हो, इस भाई से संपर्क कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दूंगा और भाई ने बता दिया है। भाई एक बकरा होगा क्या आपके पास? बकरा? हाँ है ना। बकरा है? हाँ। बकरा एक बार पकड़ के बताओ ना भाई। बकरा वो रहा, बड़ा वाला। छोटा बच्चा वगैरह नहीं है? छोटा बच्चा था, वो मर गया अभी। मर गया? और छोटा बच्चा ये है ना, ये जा रहे ना, ये छोटे छोटे बच्चे ये है ना। भाई बहुत मेहनत करता है भाई, अकेला बकरी संभालता है। कितनी बकरी बताई भाई आपने? 45 बकरी। भाई अकेला इतनी उम्र में, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल की उम्र में भाई 45 बकरी संभाल रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। अभी वो छुट्टियां पड़ गई ना शीतकाल की, इसीलिए आ रहा हूँ। बाकी पढ़ाई करता हूँ मैं। पढ़ाई भी करते हो? बकरी चराते हो? 10th क्लास में पढ़ते है भाई। भाई देख लीजिए बकरा, अभी कुर्बानी के लिए घर पे बकरा है? कुर्बानी के लिए है ना। कितने बकरा है? अभी 12 बकरे हैं। 12 बकरे भाई के पास कुर्बानी के लिए? अभी अभी पहले 10 बकरे बेचे थे। हैं? और अभी ईद नहीं निकली थी। हाँ हाँ। उस पे 16 बकरे बेचे थे। 16 बकरे बेचे थे। हाँ। भाई बहुत दम रख रहा है। तुम यही काम करते हो और भी कोई काम करते हो? नहीं, मेरे पापा कंपनी में काम करते हैं। हैं? और मम्मी रहती है यहाँ, बकरी संभालती है, हम पढ़ाई करते हैं। तीनों भाई। और आपके पास बच्ची कितनी है? बकरी छोटे छोटे बच्चे। ये कौन सी भाई, सफेद वाली बच्ची लेकर ना? ये व्हाइट वाली। व्हाइट वाली देख लीजिए भाई, बहुत शानदार है। और गुजरी नस्ल में भी वाइट में आता है, जब बहुत शानदार लगता है भाई। देख लीजिए भाई, और भी आपके पास जो भी आपके पास टॉप क्वालिटी नस्ल हो तो बताओ ना भाई। टॉप क्वालिटी तो हमारे बड़ा हुआ है ना, आपने भी वीडियो बनाया। हाँ हाँ, इनके पास है। भाई ये भंवर जी की बात कर रहे हैं, भंवर जी के अंकल का लड़का ये भाई। देख लीजिए भाई, छोटे छोटे बच्चे है, वो भी चराई पे जाते हैं भाई। देख लीजिए भाई, अब ये छोटा सा बच्चा है, इसका कान फंस गया झाड़ी में। इसका कान निकाल भाई, इसका कान निकाल। अब देख लो भाई, बहुत रिस्क काम है चरने जाती है तो। देख लीजिए भाई 5 किलोमीटर ले जाएगा ये। देख लीजिए भाई, बहुत दूर ले जाता है। और भी आपको मैं बकरी बताता हूँ भाई। छोटो इधर आ रहे, ये वाली बकरी भी आई हुई है या? कौन सी? ये वाली। हाँ। ब्रीड आपके पास एक ही है या और ब्रीड है? दो ब्रीड भाई इनके घर पे है भाई। वो एक बकरी वो भी जा रही है, देख लीजिए भाई। भाई तेरा नाम क्या बताया आपने? विनोद। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, देख लीजिए भाई, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुले मैदान में है इसलिए हाथ नहीं आ रही है बकरियां, और फैल फैल के चल रही है, जिसलिए एक्टी करते हैं एक बार बकरियों को। सारी बकरी एक्टी करके आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ भाई। देख लीजिए भाई, एक एक बकरी करके मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, एक एक बकरी एक एक बच्चा गुजरी नस्ल के बारे में बताऊंगा भाई। देख लीजिए भाई, गुजरी नस्ल में भी टॉप नस्ल आती है। देख लीजिए भाई, इसका बकरा अगर कुर्बानी के लिए अगर पाला जाए तो बहुत शानदार रहता है। और राजस्थान के अंदर कुर्बानी बकरा बहुत नायाब चीज़ आती है, मतलब इंडिया की फेमस चीज़ अगर कुर्बानी का माल अगर देखा जाए तो। देख लीजिए भाई, अभी कुर्बानी के लिए अगर इस बकरे को अगर पाला जाए तो बहुत ज़्यादा हाइट, जैसे फॉर्चुनर जा रही है। देख लो भाई, देख लीजिए भाई, ये सारी बकरियाँ इस बकरी की है। सारी बकरियाँ इस बकरी की है? हाँ, इसकी भाई सारी। ये हमने 7,300 रुपये लेकर आए थे भाई। ये बकरी इसके साथ ही, 2 बकरियाँ इसके साथ आई है भाई। टोटल बकरी ये एक बकरी की मतलब औलाद बता रहा है, जैसे अब मान के चलो इतनी बकरी, एक बकरी की औलाद, तो अब इतनी बकरी जैसे मान के चलो अगर ये एक बकरी की इतनी औलाद हो चुकी है, तो मतलब 50 बकरी की अब कितनी औलाद बना लेंगे ये। अभी 30 बकरे हमने बेच दिए इसके
इसी के, इसी के, मतलब बेटी बेटी थे इसके बच्चे हुए उसको। हाँ भाई, जैसे मतलब ये दादा नानी नानो नानी सबको बता रहा है। 30 बकरे हमने कुर्बानी के बेच दिए, 30 बकरे कुर्बानी के इन्हें बेच दिए, और इनके पास अभी 12 बकरे भी घर पे बता रही है, और बाकी छोटे बच्चे रेडी हो रहे हैं कुर्बानी के लिए। भाई बकरी इट पा रही है क्या? ये वाली, ये बकरा? नहीं नहीं, बकरी इट पाली आ रही क्या? क्या वजह? अभी मालूम नहीं पड़ रहा है बकरी इट पा रही है, दौड़ तो रहा है बकरा। अगर किसी को चाहिए तो भेज देना, मोबाइल नंबर बता दिया मैंने। हाँ, एक बार और नंबर बता दीजिए आपका। 9598823171717। भाई जिस भाई को और पापा का भी बता देना। भाई जिस भाई को अगर इंटरेक्ट हो तो इस भाई के पास आके संपर्क करें राजस्थान भीलवाड़ा में, और ये पूरी वहाँ तक की, जहाँ तक जिसको माल पहुँचाना है पूरी जानकारी तक पूरी गारंटी के साथ भेज देगा ये। और अगर किसी को और दूसरी नस्ल भी चाहिए तो हमारे बड़े पापा के पास है। भाई इनका कहने का मतलब, अगर जिसको अगर हाई क्वालिटी में अगर माल चाहिए हो, हैदराबादी, तोतापुरी, सोजत, कौन सी भी नस्ल, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी नस्ल अगर इनके पास, अगर आप बोलोगे तो वो नस्ल इनको आपको मिल जाएगी। इनके अंकल के पास में मतलब हर प्रकार की नस्ल है। आपके अंकल के पास कौन कौन सी नस्ल है भाई, एक बार बता दीजिए। हैदराबादी, सोजा, तोतापुरी, हाँ, और वो जमुनापुरी, जमुनापारी, गुजरी, और ये नस्ल है। मतलब इनके पास हर नस्ल मिल जाएगी भाई। इनका कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही भी मतलब इनके खानदानी काम है ये ना। हाँ। खानदानी काम है इनका। भाई देख लीजिए, अब इनके पापा भी यही करते थे और अब ये भी यही कर रहे हैं, मतलब सब काम यही करते हैं। देख लीजिए भाई,